हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो पिछली वाली क्लास में हम लोग ए लेटर टू गॉड पढ़ रहे थे, जिसके बाद हमारी लाइव क्लास थोड़ी रुक गई। उसके बाद देखो, हम लोगों ने कहाँ तक पिछली क्लास में पढ़ लिया था। हम लोगों ने ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट किया था, जहाँ पे लास्ट में क्या था, कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। वो जो कहता है कि उसका जो हेडमास्टर होता है वो क्या कहता है कि मैं भी अगर उस व्यक्ति जिसने पत्र लिखा है उसके जैसा मेरे भी अंदर विश्वास होता तो मैं भी भगवान से क्या कर लेता, पत्र व्यवहार यानी लेन देन कर लेता। अब इसके बाद से बेटा आज की इस क्लास में हमें कंटिन्यू करना है, जिसमें हमें ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है, उसके बाद ये लास्ट हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पिछली वाली क्लास आप सभी लोगों ने देखी होगी, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, और जो भी मैंने कल पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन आंसर हैं और एमसीक्यूज हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है, वो मैं सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी, तो उसको जरूर से देखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ फिर जल्दी जल्दी से। देखिए यहां से हमें पढ़ना है आज, ठीक है। चलो कहते हैं, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो वो जो हेडमास्टर होता है, मतलब वो जो उनका मेन हेड होता है पोस्ट ऑफिस का, वो क्या कहता है कि सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक मतलब क्या होता है, हिलाना, क्या होता है, हिलाना। तो कहता है कि हमें उसके क्या है, द राइटर्स फेथ, फेथ माने क्या होता है, विश्वास, फेथ माने विश्वास। तो कहते हैं कि जो उस राइटर जो कि इस पत्र जिसने लिखा है उसके हमें विश्वास को हिलने नहीं देना है। कहाँ से, भगवान के ऊपर से उसके विश्वास को हमें डिगने नहीं देना है, मतलब हटने नहीं देना है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो क्या कहते हैं कि जो पोस्ट मास्टर था, केम अप विद एन आइडिया, आइडिया माने क्या होता है, योजना। तो उसको क्या आई, एक योजना आई, मतलब या फिर कह सकते हैं कि वो योजना के साथ एक तत्पर खड़ा हो जाता है, मतलब उसके मन में एक योजना आ जाती है। फिर आगे कि आंसर द लेटर, और योजना क्या आती है, आंसर द लेटर, हमें क्या करना है, उस पत्र का उत्तर देना है, जवाब देना है। बट लेकिन व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला, वॉज एन एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। कहता है कि जब उसने उस पत्र को खोला तो इट वॉज एन एविडेंट, वो एक क्या था, सबूत था, दैट क्या सबूत था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड। और ये कठिन हो गया कि उसके जो उसका पत्र था उसका जवाब देना क्या हो गया, कठिन हो गया, ये वो इस बात का सबूत था। फिर समथिंग मोर देन गुडविल, और उसकी जो इच्छाएं थी वो कहीं उससे उससे जो सोचा कि हाँ उसने अच्छी चीज सोची होगी, उससे कहीं ज्यादा उस राइटर की इच्छाएं थी, मतलब लेंचो की इच्छाएं कहीं उससे उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। और उसने क्या उम्मीद लगाई थी, क्यों, कहीं इंक होगा या पेपर होगा, इससे ज्यादा क्या उम्मीद थी उसको। लेकिन जो उसकी उम्मीद थी लेंचो की, वो जो हेडमास्टर ने सोचा उससे कहीं ज्यादा थी, ठीक है। फिर कहते हैं बट ही स्टक, स्टक मीन्स होता है फंसे होना, लेकिन वह अपने जो आदत, टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स क्या होता है, जो कि आपने एक थॉट बना लिया हो, विचार बना लिया हो, जैसे हर साल नया साल आता है तो आप एक रेजोल्यूशन लेते हो कि इस साल हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हम सिलेक्शन ले लेंगे, या फिर हम बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा अपना करके आएंगे, है ना। तो एक रेजोल्यूशन होता है, या फिर कई कई लोग बार क्या करते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम इस बार अपनी इस गलत आदत को छोड़ देंगे, नए साल में हम अपनी एक गंदी आदत को छोड़ेंगे। तो इसने क्या कर लिया, जो उसका रेजोल्यूशन यानी जो विचार था उसको, उस पर क्या रहा, वो फंसा रहा, मतलब अडिग रहा, मतलब खड़ा रहा। फिर कहते हैं ही आस्क्ड, उसने कहा फॉर मनी, किस चीज के लिए, पैसों के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय माने क्या होता है, कर्मचारी, मतलब वहां पे उस पोस्ट ऑफिस में जितने काम कर रहे थे कर्मचारी, उनसे क्या कहता है, वो पैसों के लिए कहता है। फिर ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं, हिमसेल्फ माने स्वयं, ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कहते हैं उसने स्वयं अपनी सैलरी यानी कि अपनी जो वेतन था उसका, उसके अपने वेतन का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, सेवरल माने होता है कई, सेवरल माने क्या होता है, कई। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ His were obliged to give something for an act of charity. क्या होगा कि और उसके कई दोस्तों ने क्या किया कि his were obliged to give him something, और उसके कई दोस्तों से भी उसने क्या कहा, पैसे की बात कही, मतलब पैसे उससे मांगे।
कैसे मांगे? फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी माने क्या होता है? दान। तो कहते हैं उसने पैसे किस रूप में मांगे? दान के रूप में उसने पैसे मांगे। ठीक है, फिर आगे इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था फॉर हिम उसके लिए टूगेदर टूगेदर द 100 पैसों, क्या कठिन था उसके लिए? 100 पैसे इकट्ठा करना कठिन था। ठीक है, 100 पैसे इकट्ठा करना उसके लिए क्या हो गया? बड़ा ही कठिन हो गया। सो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर टू ओनली मोर देन हाफ। तो इस प्रकार ही वॉज एबल टू, वह योग्य था टू सेंड भेजने के लिए फार्मर, किसको? फार्मर यानी किसान को, लेंचो को, टू ओनली मोर देन हाफ मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा, हाफ मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा मतलब 100 उसने मांगे थे, तो 100 का हाफ क्या हो जाएगा? 50, और 50 का थोड़ा ज्यादा यानी कि कितना, अभी आगे पता चलेगा कितना पैसे। तो कहते हैं कि जो पोस्ट मास्टर था, मेन हेड था, वो कितना पैसा, केवल उसने जो मांगे थे किसान ने, उसके आधे से थोड़ा अधिक इतने पैसे भेजने में वो क्या था? सक्षम था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप। एनवेलप माने बेटा क्या होता है? लिफाफा, जिसमें हम लोग पत्र को रखते हैं। तो कहते हैं ही पुट, उसने रखा द मनी, पैसों को, इन एन एनवेलप लिफाफे में, एड्रेस्ड टू लेंचो, और उस पर पते पर क्या लिखा? लेंचो का पता लिख दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस लिफाफे पर एक ही शब्द उसने सिग्नेचर पे लिखा यानी हस्ताक्षर किया, और हस्ताक्षर में उसने क्या लिखा? गॉड। क्या लिखा? गॉड यानी भगवान। ठीक है, मतलब लेंचो को इस ये लगे कि हाँ ये पत्र भगवान ने ही भेजा है, इसलिए उसने उस पर सिग्नेचर में गॉड लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या कहता है? द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग माने होता है आगे आने वाले। कहते हैं द फॉलोइंग संडे, अगले संडे यानी अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर। बिट माने होता है थोड़ा, अर्लियर माने होता है जल्दी। तो जो अगला संडे, फॉलोइंग माने अगले आने वाले, तो आने वाले रविवार को लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा सा जल्दी आया। कैसे आया जल्दी? देन यूजुअल टू आस, देन यूजुअल मतलब क्या होता है? अक्सर जैसे वो जिस समय पर आता था, मान लो कि वो रोज सुबह अपने मतलब जो कार्यालय था पोस्ट ऑफिस का, वह 9 बजे पहुंचता होगा, पर उस दिन वो थोड़ा सा जल्दी आया, मतलब उस समय से थोड़ा सा वो जल्दी आया। फिर कहते हैं एंड यूजुअल टू आस्क, क्या करने के लिए वो जल्दी आया? टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है? वो इस बात को पूछने के लिए उस दिन वो जल्दी आया, मतलब अगले संडे को वो थोड़ा समय से और जल्दी आया, क्या पूछने के लिए? कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। फिर कहते हैं इट वॉज द पोस्टमैन, अब वो जो पोस्टमैन था, डाकिया था, हिमसेल्फ स्वयं से, हु हैंडेड द लेटर, जिसने उसको पत्र दिया, टू हिम उसको, वाइल द पोस्ट मास्टर, और जब पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग वो अनुभव कर रहा था द कंटेंटमेंट। कंटेंट मीन्स क्या होता है? एक उसकी जो अंदर से इच्छा थी, मतलब उस लेंचो के अंदर जो एक जिज्ञासा थी बहुत ज्यादा, उस वो क्या कर रहा था? उसको अनुभव कर रहा था। ऑफ अ मैन, उस व्यक्ति की, हु वाज अ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जो कि एक जो उस व्यक्ति की बात कर रहा है जिसने एक अच्छा कार्य किया, मतलब वो पोस्टमैन की बात कर रहा है जो मेन हेड था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो उसे मतलब लेंचो को अपने ही कार्यालय से देख रहा था। फिर कहते हैं लेंचो शोड नॉट टू स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो जो है जरा सा भी, स्लाइटेस्ट में थोड़ा सा भी, सरप्राइज में आश्चर्यचकित, लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं दिखा, मतलब उसने सोचा होगा कि भाई अब उसने भगवान से पैसे मांगे और उसको लेटर मिला भी है, भाई उसको पता है कि वो लेटर मैंने दिया है, पर लेंचो को तो यही पता है कि वो लेटर भगवान ने दिया है, तो वो सोच रहा होगा कि लेंचो सरप्राइज हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा, अरे भगवान ने कैसे पत्र दे दिया, हमें पैसे दे दिए, तो वो सोचता है कि ये बात तो वो सरप्राइज होगा लेंचो, लेकिन लेंचो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, क्या देख करके? सीइंग द मनी, उस पैसों को देख करके, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, अब वो कहता है भाई क्या कॉन्फिडेंस है, मतलब क्या विश्वास है उसका कि वो पैसों को देख कर भी जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्या हो जाता है? बड़ा ही गुस्सा हो जाता है, एंग्री माने गुस्सा, बट ही बिकेम हो गया एंग्री, गुस्सा हो गया, क्या? वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उन पैसों को गिना तो वो गुस्सा हो गया, वो तो सोच रहा होगा कि ये सरप्राइज हो जाएगा, अरे भगवान ने पैसे भेजे, लेकिन वहां पे क्या था दृश्य, तो सीन तो कुछ दूसरा ही हो गया, वो लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ बल्कि वो गुस्सा हो गया।
क्यों गुस्सा हो गया? अब आगे बात करते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, जो भगवान है वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। मिस्टेक माने गलती। तो क्या वो लेंजो कह रहा है कि भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकता। क्या गलती? नॉर कुड ही गेव डिनाइड, ले और भगवान ने मुझे मना भी नहीं किया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, और वो ये तो गलती भी नहीं कर सकते। लेंचो गॉड ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज के लिए लेंचो ने उनसे प्रार्थना की थी वो भगवान ने मना भी नहीं किया, लेकिन ये जो गलती है वो भगवान तो कर ही नहीं सकता। अब देखो आगे बहुत ही ज्यादा अच्छी बात आने वाली है, बहुत ज्यादा मस्त बात आने वाली। अब देखो ध्यान से देखना। इमीडिएटली, इमीडिएटली माने क्या होगा? जल्दी, शीघ्रता से। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, विंडो माने क्या होता है बताओ जल्दी से? विंडो माने खिड़की होता है, वेरी गुड। तो लेंचो वेंट अप, वेंट अप माने गया, टू द विंडो खिड़की के पास गया, टू आस्क क्या मांगने के लिए? फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए जो लेंचो था वो खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब होता है, पब्लिक माने होता है सार्वजनिक, राइटिंग टेबल मतलब लिखने के लिए जो डेस्क वहां पर रखी जाती है। आप कभी बैंक में गए होंगे या किसी सरकारी ऑफिस में गए होंगे तो एक टेबल से रखी होती है जहां पे हर कोई वहां पर अपना पेपर रख के लिखता है, तो वो क्या हो जाएगा? सार्वजनिक टेबल यानी मेज हो जाएगी। तो जो लेंचो था वो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया देखते हैं। विद मच रिंकलिंग, रिंकलिंग माने क्या होता है? सिकुड़न होती है। जैसे आप कोई चीज विचार कर रहे होंगे तो आपके माथे अपने आप, ये जो माथे होती है आपकी, फोरहेड जो होता है आपका, वो अपने आप थोड़ा सा सिकुड़ सा जाता है, मतलब जो विचार आप कर रहे होते हैं उससे यहाँ पे थोड़ी सी सिकुड़न सी आ जाती है। तो कहते हैं विद मच रिंकलिंग, उसपे उसके माथे पर सिकुड़न कहीं ज्यादा थी। ऑफ हिज ब्रो, किस चीज के? उसके भौवे की सिकुड़न से, मतलब उसकी भौवे ऐसी तिरछी सी थी और में मध्य पर उसकी क्या थी? सिकुड़न थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, किस चीज के लिए उसकी सिकुड़न थी? क्योंकि वो अपने जो विचार थे उनको पेपर पर लिख रहा था। फिर आगे, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया, मतलब जब उसने पत्र लिख लिया, तो ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, टू बाय अ स्टैंप, क्या करने के लिए गया खिड़की पर? एक स्टैंप खरीदने के लिए। बाय माने क्या होता है? खरीदना। तो टू बाय अ स्टैंप, एक स्टैंप खरीदने के लिए वो खिड़की के पास गया। विच ही लिक्ड, लिक्ड माने क्या होता है? जब हम लोग छोटे थे तो क्या करते थे हम? अगर गोंद नहीं मिलती थी, गोंद माने ग्लू जो होता है वो हमें नहीं मिलते थे, कई बार हम लोगों ने क्या किया होगा? ऐसे जीभ से चाटा, चिपका दिया। आ गया समझ में? ऐसे और ऐसे आ गया। तो क्या है कि उसने क्या किया, उस जो उसका स्टैंप था उसने उसको क्या किया? जीभ से चाटा, लिख दवाने जीभ से चाटना, उसने जीभ से चाटा। एंड देन एफिक्स, एफिक्स दवाने क्या होता है? ऐसे करके चिपका दिया। एफिक्स दवाने क्या हो गया? चिपकाना। तो उसने क्या किया, उस स्टैंप को जीभ से चाटा और फिर चिपका दिया। ऑन द एनवेलप, कहां? लिफाफे पर। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, कैसे? अपने इस मुट्ठी से ऐसे करके पीट पीट के उसको चिपका दिया, ठीक है ना। चलो आगे, द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, बहुत क्षण, मोमेंट माने क्षण, बहुत क्षण, जब लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जब उस पत्र को मेल बॉक्स में डाला गया, द पोस्ट मास्टर, वो जो पोस्ट मास्टर डाकिया था, वेंट टू द ओपन इट, वो गया किस चीज के लिए? उसे खोलने के लिए। इट का प्रयोग यहाँ पे किसके लिए आया है? किसके लिए? लेटर के लिए आया है। तो उस लेटर को खोलने के लिए वो तुरंत गया। इट सेड, और उस पत्र ने कहा, मतलब उस पत्र में क्या कहा गया है? गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो चीज, मतलब जितनी मैंने पैसे, जितना मैंने मांगे थे, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पैसों मेरे पास पहुंचे हैं। लेंचो ने पत्र में क्या लिखा कि हे भगवान, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे ही पहुंचे हैं। फिर आगे क्या कहता है? सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट माने क्या होता है? बचा हुआ होना। रेस्ट माने क्या होता है? बचा होना। तो लिखेंगे यहां पर रेस्ट माने REST, रेस्ट, रेस्ट माने बचा होना। कहते हैं रेस्ट, सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ जो हिस्सा है वो मेरे पास भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत जल्दी इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर कहते हैं बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, क्यों? लेकिन डोंट सेंड इट, इसे मत भेजना टू मी, मेरे पास,
थ्रो द मेल बॉक्स, थ्रो माने होता है जरिया, क्या होता है जरिया या माध्यम, वो तो कहते हैं इसे मेल बॉक्स से बिल्कुल मत भेजना, मतलब मेल से बिल्कुल मत भेजना। क्यों मत भेजना? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस डाक घर है वहां के जो इम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्या है वो, चोरों का एक झुंड है। लंचो बाद में अपना नाम लिख देता है। तो आगे बात समझ में, तो ये रही हमारी पूरी स्टोरी, जिसमें लास्ट में लंचो क्या करता है, जब उसको पत्र मिलता है तो वो देख करके बड़ा ही गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से कहता है, अरे भगवान जी, जब मैंने आपसे इतने पैसे मांगे थे तो इसमें से इतना कम क्यों है, आपने तो ये धोखाबाजी किया नहीं होगा। तो वो समझ जाता है कि ये धोखाबाजी कहाँ से हुई है, पोस्ट ऑफिस से हुई। उसे क्या मालूम कि भाई तुम्हारी मदद तो उन्हीं लोगों ने की है, लेकिन वो इसकी बात से बिल्कुल अनजान होता है। फिर से जाता है, फिर से नया स्टाम्प लेता है, पेन पेपर लेता है, फिर से लिखता है, भगवान जी जो आपने मैंने आपसे पैसे मांगे थे ना, वो पूरे नहीं है, लोगों ने चुरा लिए, कहाँ, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने हाथ मार लिया अपना, गायब कर दिया मेरा पैसा। फिर क्या करता है वो, कहता है कि जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है ना, जल्दी से उसको भेज दो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, देखो जल्दी से भेजो, हमारा काम रुक जाएगा, तो जल्दी से भेज दो, लेकिन कैसे, मेल बॉक्स से नहीं भेजना। क्यों? क्योंकि जो कर्मचारी है वो क्या है, चोर है, सभी लोग क्या है वहां पे, चोर बैठे हुए हैं। तो आगे बात समझ में, तो एक एक लाइन आपको बेटा समझाई है। लाइव क्लास हमारी इंटरप्ट हो गई, रुक गई, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड बहुत मुश्किल से आपके लिए सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। टाइम देख सकते हो आप कितना टाइम हो रहा है, बहुत ज्यादा कठिनाई से आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ बेटा। बहुत मेहनत से पढ़िएगा और मेरी मेहनत को देख करके प्लीज सपोर्ट करिएगा, ठीक है, अपना प्यार और साथ इसी तरीके से बनाए रखिएगा। अगला जो वीडियो होगा लेटर टू गॉड के, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे उसी में, और क्या करेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग्स है उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा लेक्चर को, पसंद आए बेटा तो शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगर हो सकेगा जैसे ही हमारी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी, उसके जैसे शाम को हमारी लाइव क्लास होती है तो मैं सुबह ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है ना। तो चैनल पर लगातार बने रहिएगा, जो भी चीजें होंगी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और जो लोग भी हमारे साथ में सपोर्ट में है उनको बहुत बहुत थैंक यू, दिल से बहुत तहे दिल से शुक्रिया है, क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं कि हाँ प्रॉब्लम है, तो लगातार वो लोग हमारे साथ बने हुए हैं, अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि बच्चे हमारे साथ में सपोर्ट में है, तो एक अंदर से इच्छा होती है कि हाँ अगर बच्चे हमारे साथ में है तो उनके लिए तो कैसे भी हम लोग काम करेंगे, है ना। तो देखो हमने आपके लिए क्लास लगा दी है, तो इसको अच्छे से देखिएगा बेटा, जो चीजें नहीं समझ में आएंगी वो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।